वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आपके कहने से आज मैं बड़े बच्चों के लिए एक एक्टिविटी लेके आई हूँ, डेट इज़ कॉल्ड ट्रैफिक जैम। ओके, और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आके कहते हैं कि मैम प्लीज़ हमारे बच्चों को ट्रैफिक रूल्स भी इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता है कि जब भी रोड क्रॉस करनी है तो दोनों तरफ देखना है। इवन ट्रैफिक लाइट्स के, रेड लाइट क्या कहती है, येलो लाइट क्या कहती है, ग्रीन लाइट क्या कहती है, ये सब मैं आज आपको इस एक्टिविटी के थ्रू सिखाऊंगी। राइट, ओके। सो इस एक्टिविटी को यू नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करने से पहले आपको इस तरीके का चार्ट बनाना है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको इस तरीके की ट्रैफिक लाइट चाहिए। ये मेरे पास यही अवेलेबल था, तो मेरे को था आप फटाफट से बनाती हूँ आपके लिए वीडियो। ओके ओके, ईशप्रीत कम है प्लीज़। ओके, सो सबसे पहले ट्रैफिक लाइट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट ईशप्रीत, रेड लाइट से देखो जैसे ही, वेरी गुड, आपको ऐसे साइन करना है, क्योंकि हमारे बच्चों को विजुअल प्रॉम्प्ट्स की आदत है या वो जल्दी सीखते हैं। तो जैसे रीत कर रही है मैं करवाऊंगी, आप घर पे भी वैसे ही कराएंगे। चल मेरा बच्चा सिट प्रॉपरली। रेड लाइट सेज वेरी गुड, येलो लाइट सेज अच्छे से बोलो रेडी, ग्रीन लाइट सेज गो। तो ये हो गया। उसके बाद हम बच्चे के सामने थ्री लाइट्स रखेंगे। ओके, यस, रेड येलो ग्रीन। फिर मैं पूछूंगी, रीत आप मुझे वो लाइट उठा कर दो जो बोलती है रेडी। वेरी गुड, फटाफट से मुझे वो लाइट उठाकर दो जो बोलती है स्टॉप। मुझे वो लाइट उठाकर दो जो बोलती है गो। वेरी गुड, ओके। सो अभी ट्रैफिक जैम के जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हैं ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्लेवर क्यूब्स का एक प्ले एक्टिविटी ली है, ओके और जिसका नाम है ट्रैफिक जैम करके। एज 3+ है, मेरे हिसाब से 3 to 6 ईयर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। राइट, उसके लिए ये जो इन्होंने हमें दिया है एक्टिविटी कार्ड्स, उसमें होंगे 16 पजल कार्ड्स, ओके 1 रेफरेंस बोर्ड होगा। इस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी सारा। 16 सिग्नल कार्ड्स होंगे और 1 क्लू शीट होगा। ओके ओके, सो क्लेवर क्यूब्स का हम आगे बढ़ने से पहले हम अपने बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल कार्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं रीत को आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्ड्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करके दिखा रही हूँ। अदरवाइज 16 ट्रैफिक सिग्नल्स के कार्ड्स आपको मिलेंगे। जब आपने स्टार्टिंग में कार्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं तो आपको हमेशा ही कोई भी एक्टिविटी कराएं तो उनको 3 के एरे में लेंगे। 3 कार्ड्स एक टाइम पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। ओके, एक्सप्रेस इट प्रॉपरली प्लीज। आप इस फॉर्म में रखेंगे, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 3 कार्ड्स आप लेंगे स्टार्टिंग में और मैं आपको ज्यादा लेके दिखा रही हूँ, ठीक है जी। ओके, सो मामा अभी समझाएगी आपको, ठीक है ननू। लुक हियर ईशप्रीत, ये कार्ड हमको बताता है कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आप केयरफुल हो जाओ। नीचे देखो मेरा बच्चा, ये वाला कार्ड देखो, इसमें एक मैन बना हुआ है ना, और देखो उसके हाथ में स्पेड है, वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। राइट, आ जाओ। दूसरा, यस, ब्रिज बना रहा है, सड़क रोड को ठीक कर रहा है, तो ये वाला साइन लगा देते हैं कि आप केयरफुल हो जाओ आगे जाने के लिए, आगे आपको ट्रैफिक मिल सकता है, बी केयरफुल। ओके मेरा बाबू, सेकंड कार्ड हमें बताता है कि आगे रेलवे लाइन है, बी केयरफुल। यस, कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, इंजन तो नहीं आ रही, ट्रक नहीं ना, रेलवे लाइन पे तो ट्रेन ही चलती है। राइट, इंजन को। यस, नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है कि आगे क्या है, इधर देखिए, इधर देखिए आप। नेक्स्ट क्या बता रहा है आपको सिग्नल कि आगे जीब्रा क्रॉसिंग है, तो आपको जो क्रॉस करनी है रोड वो किस पे करनी है, जीब्रा लाइन पे, क्रॉसिंग पे। आगे क्या है, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, स्टॉप। इमीडिएटली जो भी वहां से निकल रहा है अगर स्टॉप का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स कि कार को स्टॉप करें। सिट प्रॉपरली। सपोज करें आप और पापा कभी ड्राइविंग पे जा रहे हैं, राइट, और पापा ने नहीं देखा ये वाला साइन और आपने देख लिया, तो आप पापा को क्या बोलोगे, पापा पापा यहाँ पर स्टॉप है। यस, यू नीड टू स्टॉप द कार हियर डैड। राइट, ओके, सो नेक्स्ट इज अ ट्रैफिक लाइट सिग्नल। क्या बोल रहे हैं ये साइन, क्या बोलता है कि आगे ट्रैफिक लाइट्स हैं, बी केयरफुल। राइट, ओके, नेक्स्ट इज
यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस कार्ड का मतलब? कि पर ट्रैफिक लाइट है। नहीं, आई एम शोइंग यू समथिंग एल्स। ये साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे ट्रक को ले जाना मना है, तो इस रास्ते से ट्रक नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्रॉस करा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है ट्रक्स के ऊपर, क्रॉस किया हुआ है। और यहाँ पर बिग क्रॉस। यस, अब बस अभी इधर हम नीचे बैठे आराम से। ये सिग्नल हमें क्या बता रहा है कि आगे क्या है, स्कूल है। देखो इन्होंने बच्चे दिखाए हैं ना ऊपर, कि आगे स्कूल है, प्लीज अपना ट्रैफिक, अपना जो स्पीड है कार का उसको धीरे कर लें। आगे क्या है, आगे क्या है, नीचे देखो स्कूल है, राइट। इस सिग्नल से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर म्यूजिक है, नहीं बजाना, नहीं तो कोई डिस्टर्ब हो रहा है। वेरी गुड, कि हॉर्न यहाँ पे नहीं बजाएंगे आप, क्योंकि आसपास क्या है, हॉस्पिटल। वेरी गुड, यहाँ पर इंजेक्शन लगवाते हैं, यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, राइट। ये कार्ड हमें क्या बताता है, ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5 0 50 कि अपने कार की स्पीड को कौन सी लिमिट पे कर लें, 50 की स्पीड लिमिट पे कर लें, राइट। अब ये हमारा हो गया, अब हम चेक करेंगे कि रीत को कितना आया है। रीत इधर आ जाए, आगे आ जाए, मुझे वो वाला कार्ड उठा के दे जो ये बताता है कि आगे रेलवे लाइन है। वेरी गुड, नाउ वी आर क्रॉस चेकिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। इशप्रीत मुझे वो उठा के दें जो ये बताता है कि आगे हॉस्पिटल है, प्लीज हॉर्न मत बजाएं। गुड, मुझे वो वाला कार्ड उठा के दें, हैंड पीछे, जो ये बताता है कि यहाँ पे ट्रक ले जाना मना है, फास्ट। गुड, मुझे वो कार्ड दें जो कहता है स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप, फटाफट। गुड, मुझे वो कार्ड उठा के दें जो कहता है अपने कार की स्पीड लिमिट को 50 पे कर लें। गुड, मुझे वो कार्ड दें जो बताता है कि आगे ट्रैफिक लाइट्स आने वाली हैं। वेरी गुड, मुझे वो कार्ड दें जो बताता है कि आगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। जब भी आप रिसेप्टिव कराते हैं तब आपको कार्ड की तरफ नहीं देखना, आपको बच्चे की तरफ देखना है। तभी तो हमारे बच्चे प्रॉम डिपेंडेंट है कि जहाँ मम्मी देखेगी इसका मतलब वही वाला कार्ड उठा के देना है। बहुत सारी मेरे पास ऐसी डेमो वीडियोज़ आती हैं बच्चों की, ठीक है। इशप्रीत मुझे वो कार्ड उठा के दे जो बताता है कि आगे स्कूल है, अपना स्पीड कम कर लें। गुड, इशप्रीत मुझे वो कार्ड उठा के दे जो बताता है कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। गुड, शाबाश। ओके, सो जब हमने रिसेप्टिव भी कर लिया, अभी हमें लगता है कि मेरे बच्चे को जो साइंस हैं, ट्रैफिक साइंस, वो समझ में आ रहे हैं, तो उसे नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो रेफरेंस बोर्ड उन्होंने दिया है आपकी हेल्प के लिए, उसमें 16 ऐसे पजल कार्ड्स दिए हैं, ठीक है, वो आप लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस बोर्ड। फिर इसका काम नहीं है, इसको साइड पे रखेंगे। उसके बाद ये लगाने के बाद इशप्रीत, दैट्स इट, अब देखें हम क्या करेंगे। इसमें ना पास ले आओ थोड़ा सा, इसमें सब कुछ बताया गया है कि यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्कूल है, देयर इज़ अ फायर स्टेशन हेयर, देयर इज़ अ रेलवे लाइन हेयर, ओके। तो अब मैं क्या करूँगी कि रीत को क्लू कार्ड्स दूंगी और रीत अपने आप बताएगी कि ये कहाँ पे लगेगा। इशप्रीत देखें कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वेयर इज द साइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो इस तरीके से बच्चे को थिंकिंग भी और लॉजिकल रीजनिंग की कंस्ट्रक्शन कहाँ होनी चाहिए। ओयो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, वेयर इज द, हाँ ढूंढो, आपको पता है, देखो ढूंढो कहाँ है, वेयर इज द कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। वेरी गुड, आप चाहे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाई गई है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये लगेगा। इशप्रीत कहाँ बताया गया है कि अपनी कार की स्पीड लिमिट 50 कर लें, वेरी गुड। हॉर्न बजाना मना है, वेयर देयर इज अ हॉस्पिटल, देयर इज अ सिग्नल ऑफ हॉर्न इज नॉट अलाउड हियर, राइट। ज़ीब्रा क्रॉसिंग इशप्रीत, वेरी गुड, हियर इज अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग, शाबाश। ट्रक्स यहाँ से ले जाना मना है, ट्रक, वेरी गुड, उठा के लगाओ बेटा, यहाँ पे रखो, शाबाश। ट्रैफिक लाइट्स, गुड। स्कूल, देयर इज अ स्कूल अराउंड, किधर है स्कूल, वेरी गुड, कहाँ है स्कूल, ओ
गुड. वेयर इज द साइन ऑफ स्टॉप? इमीडिएट स्टॉप हो जाए. वेरी गुड, शाबाश बेटा. सारे कार्ड्स नहीं लाए हैं ना, यहाँ पे रखें. गुड, वेरी गुड. अरे देयर इज अ रेलवे लाइन यहाँ पे. यस, गुड. ओके, सो मेरे हिसाब से मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगी और मेरे को इवन रीत को कराने में भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि अदरवाइज ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे हम काम करना भूल जाते हैं, क्योंकि वी आर आफ्टर ऑल एकेडमिक्स, फोनिक्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, राइट. सो ये जो मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा है. एक तो बहुत ईजिली समझ में आता है, कलरफुल कार्ड्स हैं, सिग्नल्स बहुत क्लियर समझाए गए हैं. सो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी एक्टिविटी और इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने आई हूँ आज. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप क्लेवर क्यूब से इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इवन अमेज़ॉन से भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये जो गेम है अवेलेबल है. ओके, सो यूज़फुल लगे तो कीप शेयरिंग माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच.